नमस्कार, आप देख रहे हैं namo4media.com। झांसी के इच थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से परेशान एक नाबालिग लड़की ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे उसकी मौत हो गई। मृतका ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने इसका जिक्र किया। साथ ही सुसाइड नोट में उसने बदला लेने की भी बात बोली है। आपको बता दें, झांसी के इच थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की परिवार के साथ रहती थी। परिजनों का आरोप है, पड़ोस में रहने वाला आकाश नाम का शख्स छेड़खानी कर उनकी नाबालिग बेटी को परेशान कर रहा था। विरोध करने पर उसे धमकी दी जा रही थी। इज्जत की खातिर उसने इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की, लेकिन वह मन काफी तनाव में रहने लगी। आखिर में तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों को मृतका के पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने दोषी से बदला लेने की बात बोली है। परिजनों ने इसकी सूचना थाने की पुलिस को दे दी है। बच्ची के साथ जी इन्होंने पहली तारीख को आए और हम लोग गए थे गाँव नहा सफाई करने के लिए। हमको पता चला कि जे थे, लड़की ने बताया कि वो आकाश आया था, आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं भतीजी करता था। हमने उनके पिताजी से बोला कि तुम जो अपने लड़के को क्यों नहीं डांटते हो, ऐसी वो ऐसा बोला। बोले जो कुछ करना हो तुम्हारी लड़की है, तुम जानो। सो हम लोग भग आए। बोले जो कुछ दिखाए, धमकी भी दी उनने कि जान से मार देंगे, तुम जो कुछ करना हो तो करें आप। इसके बाद हम लोग अपने खेती किसानी में काम में फिर लग गए। कल उसने फिर कोचिंग जा रही थी, जो कुछ भी कहा हो। रास्ते में हम लोग गांव में थे, कोचिंग पहुंची, वहां सर जी ने फ़ोन किया कि आपकी लड़की को कुछ तबीयत ख़राब हो गई है। सो वहां से हम लोग भाग के आए, पहुंची सो जब तक कोचिंग सेंटर पे। सो लड़की को लेकर पूंछ दिखाया, पूंछ में डॉक्टर बोले इसने कुछ खा लिया। सो फिर हम झांसी लेके भगे। नहीं देख कोई मालूम नहीं, हम लोग बाहर थे। हाँ, कोचिंग पहुंची, वहीं पे उल्टी हुई। अब रास्ते में खाया, कहाँ खाया, क्या खाया, ये कोई पता नहीं। पत्र भी लिखा है। हाँ, पत्र भी लिखा है। पत्र में वो आकाश के बारे में लिखा है। अब इतना तो याद नहीं है पूरे के, हम पूरा मौका बसा। हाँ, उसके जेब में पत्र मिला था डॉक्टर द्वारा। उनने बोले जी बस सुनने भर्ती के मामले में भेज दी पोस्टमार्टम के लिए। एरज कस्बे के रहने वाले एक शख्स ने थाना एरज को सूचना दिया है, उनके नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर लिया है और उनको एसओ एरज को एक सुसाइड नोट भी उपलब्ध कराया है। परिवार वालों का कहना है, पड़ोसी के रहने वाले आकाश के द्वारा बच्ची के साथ छेड़खानी की गई है और उनके परिवार वालों के द्वारा जो बच्ची है उनके परिवार वालों को बेइज्जत किया गया है। इसी के चलते बच्ची ने सुसाइड किया है। सुसाइड में जो प्राप्त हुआ है उसको जो फॉरेंसिक जांच है भेजा जा रहा है। जो भी जो उनके घर वालों के खिलाफ एलिगेशन है उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। मेन अक्यूज्ड आकाश है, वो फरार है, उसको पकड़ने हैं तो तीन अलग अलग टीम गठित किए गए हैं। जल्द से जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। छेड़खानी की घटना 1 तारीख को बताया जा रहा है। परिवार वालों का कहना है कि लड़की की इज्जत के मारे बेइज्जती ना हो जाए, इसके डर के चलते कभी पुलिस स्टेशन की शिकायत नहीं करने आए हैं और तत्काल मेरे द्वारा एसओ एरएस को एफआईआर दर्ज करने तो आदेश कर दिया गया है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम में तो भेजा जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी।